सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने अमृतसर सिटी को। इन्होंने ब्रेकफास्ट में मुझे जूस दिया था, शेक दिया था बेसिकली, सो बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा। डेली ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं लेना चाहता था, वरना कुलचे वगैरह का ऑप्शन था, तो मैंने खुद ही मना कर दिया। और अब मैं निकलूँगा यहाँ से, वहाँ देखता हूँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मिल जाए, कोई लिफ्ट मिल जाए तो उससे मैं निकल लूँगा। आगे मैं आ चुका हूँ पार्टीशन म्यूज़ियम के पास, इस चौराहे के पास उतर करके यहाँ से आगे लगभग 400 मीटर्स है, तो मे बी 5-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलते हैं अंदर में। गोल्डन टेंपल, जलियावाला बाग, पार्टीशन म्यूज़ियम, यहाँ का बस स्टैंड सब एक ही जगह पे है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो एक जगह वैसे सिटी सेंटर में आ जाओ, सब घूम लोगे। ये पार्टीशन म्यूज़ियम के पास का एक कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिख रहा है मुझे, मैं सर्च करूँगा इसका नाम क्या है, अभी तो नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल। पार्टीशन म्यूज़ियम आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन है, इसके बाद मैं निकल करके थोड़ी देर के लिए जाऊँगा जलियावाला बाग और फिर गोल्डन टेम्पल। लेकिन ये दोनों ही जगह, जलियावाला बाग और गोल्डन टेम्पल, दोनों ही जगह शाम में भी 6 बजे के बाद भी जा सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। ज़्यादा टाइम मैं लगाऊँगा अपना सिटी को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि फिर मुझे शाम में बाघा बॉर्डर जाना है 2 बजे यहाँ से, और वहाँ से 6 बजे के करीब वापसी होती है। बाघा बॉर्डर में 4:30 बजे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट होता है पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो वो मुझे देखना है। यहाँ पे एक ऑटो वाला मिल गया, उसने बोला हम लोग एडवांस बुकिंग करते हैं, आप करा लो, 150 रुपये लगेंगे और हम बाघा बॉर्डर आपको ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से ले भी लेंगे, 2 बजे यहाँ से निकलना है, 7 बजे तक वापस। तो मुझे ठीक लगा, रिजनेबल लगा, मैंने कहा चलो ले लेता हूँ फिर इसी को। कल जो बाइक वाला मिला था उसको हमने फिर मना कर दूंगा और इसी से चले जाएंगे, क्योंकि बाइक वाला 400 रुपये कह रहा है और ये सिर्फ 150 रुपये कह रहा है, तो 250 रुपये तो बड़ा अमाउंट है ना, हमें उतना तो सेव करना पड़ेगा। अब मैं आ गया हूँ मेन अमृतसर सिटी के एकदम हर्ट में, यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है और ये पार्किंग लॉट है। ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये एक्चुअली पार्किंग लॉट है, ठीक है। और इसी के जस्ट सामने ये है पार्टीशन म्यूज़ियम और टाउन हॉल। टाउन हॉल एंड पार्टीशन म्यूज़ियम दोनों एक ही जगह पे हैं, हम जाएंगे पार्टीशन म्यूज़ियम में पहले, उसके बाद फिर उधर एक्सप्लोर करेंगे गोल्डन टेम्पल और जलियावाला बाग। मैंने पता कर लिया, जलियावाला बाग रात के 10 बजे तक खुला होता है, गोल्डन टेम्पल भी 10 बजे तक खुला होता है, तो हम चलते हैं पहले इसके अंदर, पार्टीशन म्यूज़ियम के अंदर। लगभग 45 मिनट स्पेंड करने के बाद फाइनली मैं पार्टीशन म्यूज़ियम के बाहर आ गया हूँ। पार्टीशन म्यूज़ियम एक मस्ट प्लेसेस की लिस्ट में होना चाहिए अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो। इसके अंदर आकर के आपको अपने हिस्ट्री को समझने का मौका मिलेगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा म्यूज़ियम है जो पार्टीशन को डेडिकेटेड है, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, वहीं से हिस्ट्री ख़त्म स्टार्ट होती है इसकी, और वहीं पर जा कर के आज़ादी के बाद, जो आज़ादी तक का ही है, मतलब 1930s में जब अल्लामा इकबाल ने, जो बहुत बड़े फ़िलासफ़र और पोएट हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने पहली बार इलाहाबाद में एक मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में इसका प्रपोज़ल दिया था, उस वहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है इस म्यूज़ियम की और एंड होता है हमारे पार्टीशन तक। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छे से, बहुत मजबूती से लागू करने की पूरी कोशिश की, और जब देश टूट गया, जब देश हमारा 2 पार्ट में बट गया, उसके बाद फिर जो होने वाले नुकसान थे, उसमें 2 शहर ऐसा था जिसको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा, अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें तो। ईस्ट में तो आप जानते हैं कलकत्ता, ढाका था, लेकिन वेस्ट में जो था वो यहाँ अमृतसर और लाहौर, ये 2 शहर ऐसे थे जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। लाहौर एक मेन, अमृतसर एक मेन पॉइंट था, अगर किसी को इंडिया से जो लोग भाग करके पाकिस्तान जा रहे थे रिफ्यूजी, उन्हें अगर पाकिस्तान जाना हो तो लाहौर उतरना पड़ता था, फिर यहाँ से जाना, सॉरी अमृतसर उतरना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था, और जो लोग पाकिस्तान से आ रहे थे वो भी यहाँ लाहौर उतर, अमृतसर उतरते थे, और फिर यहाँ से आगे जहाँ जाना होता था वहाँ जाते थे। MDH आपने सुना होगा, मसाला वाला, तो वो है मसीहा दी हट्टी समथिंग, उस वो भी पाकिस्तान से आए थे, उनका उनके बारे में भी जिक्र है। मिल्खा सिंह, जो भाग मिल्खा भाग मूवी बनी है, बहुत बड़े वो मतलब एथलीट हैं, थे, अब तो है नहीं दुनिया में, वो पाकिस्तान से आए थे, उनके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है थोड़ा। और फिर मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन सब के बारे में बताया गया है इसके अंदर, और पाकिस्तान और इंडिया को क्या क्या नुकसान हुआ, उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से लोग मारे गए,
उसको दिखाया गया। ये कोई प्रोपेगेंडा साइट नहीं है जहाँ किसी की गलती को दिखाया गया हो या दिखाया गया हो कि हम सही तुम गलत, ऐसा नहीं है। यहाँ जो हिस्ट्री में फैक्ट है उसे ही रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लॉस हुआ। लगभग 2 करोड़ लोग माइग्रेट हुए और लगभग 20 लाख लोग मारे गए, जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर उस टाइम में, जबकि हिंदुस्तान की आबादी महज 35 करोड़ थी। तो ये था हमारा ट्रिप यहाँ तक का। बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लग रहा है इस जगह पे आकर के मुझे, बट ये मस्ट वॉच है। अगर आप इधर आते हैं तो आप ज़रूर स्पेंड करें। अभी दोपहर के 11 बज रहे हैं और 2 बजे यहाँ से मुझे ऑटो पकड़नी है बाघा बॉर्डर की। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ गोल्डन टेम्पल, जलियावाला बाग और महाराजा रंजीत सिंह के स्टैचू, ये 3 जगह अभी हो आऊँ। फिर शाम में जब यहाँ 7 बजे वापस आ जाएंगे बाघा बॉर्डर से, तो फिर हम गोल्डन टेम्पल वगैरह दोबारा जाएंगे रात में घूमने के लिए। फिर कल भी कुछ दिन थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। अब चलते हैं अगले स्टॉप की तरफ।